कहा यार कैमरा में फोटो नहीं अच्छी आती, पता है। एक तुम्हें किस्सा बताते हैं, जब हमारी शादी होने वाली थी तो हमारी फोटो पहुंची तुम्हारी वर्षा मैम के पास। वर्षा मैम मतलब जो मेरी वाइफ है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था यार। तुम देख रहे हो इतने स्मार्ट इंसान को, उस टाइम तुम जिम भी जाते थे यार, एकदम भौकाल लगते थे भाई साहब, बाल भी ज्यादा थे, ठीक है, बाल भी ज्यादा थे, थोड़ी आंखों के पास मैच्योरिटी कम आई थी भाई साहब। जैसे क्या बोलते हैं, हमारी फोटो गई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्हें लगा यार क्या ये एकदम क्या लड़का ये लेके आए हो बापू। हमारे ससुर जी को वो मतलब बोलती है बापू जी, बोलती है, कहती है यार बापू जी क्या लड़का लेके आओ, रिजेक्टेड। तो हम तो खुश हो गए थे, क्यों? क्योंकि हमें लग रहा था घर वाले शादी करा देंगे, अब हम बच गए। फिर एक दिन क्या हुआ, वहां से भाई बापू जी का फोन आया कि आप प्लीज हमारे घर में डिनर करने आ जाइए। हमने कहा डिनर करने? उससे हम बैचलर थे, घर में मेड खाना बनाती थी। हमने कहा यार शादी हो ना हो लेकिन कुछ भी हो यार, खाना खाने को तो मिलेगा, फ्री में मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। हम भाई साहब पहुंच गए, अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी हमारी। हमारे घर में नहीं हो सकती लव मैरिज, हाँ वैसे खुशी की बात, अच्छा रहा अरेंज मैरिज हुई, इज्जत ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो आराम से हम घर गए, फिर जैसे वहां पे रॉक स्टार एकदम वरुण धवन पहुंचा है, तेरा दिया ने किधर है ओ तेरा, आगे समझ ही गए हो ना भाई साहब। फिर उन्होंने कहा हमें तुमसे शादी करनी है। हमने कहा व्हाट एक्सक्यूज मी हमसे? चश्मा तो बहुत लगाते हैं हम, तुम्हें पता ही है, एकदम भौगाल में। तो भाई साहब मस्त एकदम बिल्कुल हो गई शादी।